अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मंजूर लोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट्स, यानी लिब्रा ऑफिस में हम कैल्क के नाम से वो जानते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑटो सम, यानी फॉर्मूलाज। मैंने मैंने एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लाई है आज, जिसका नाम है ऑटो सम। सो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ऑटो सम एक्सेल में कैसे करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट कॉमनली कैल्क या इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट्स जो हमारे हैं उनमें इस्तेमाल होता है, ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने कैल्क एप्लीकेशन ऑन किया, सो हमारा जो होम पेज है वो इस तरह का होगा, जिसमें लिब्रा ऑफिस लिखा होगा। आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे मैंने आपको बताया, हम इंक्रीज करूंगा ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आइटम, ठीक है, यहाँ पे इसकी यहाँ पे हो गया जो आपको प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस करके दिखाऊंगा, तो और यहाँ पे फाइनली टोटल होगा हमारा। फॉर एग्जांपल, पहले आपने कोई दूसरा आपने ऑयल ले लिया, कोई भी चीज़ आप एंटर कर सकते हैं। तीसरे आपने कोई आइसक्रीम ले ली, ग्रेप्स लाए फ्रूट्स में से, यहाँ पे बिस्किट्स के जो रेट हैं फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ के हैं, ठीक है। ऑयल का जो रेट रहेगा वो रखो आप, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का एक पीस का रेट रहेगा 35। ग्रेप्स हमने लाए हैं 100 रुपीज़ के जी, नोटबुक हमने लाए, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटीज मेंशन कर। फॉर एग्जांपल मैंने बिस्किट्स 15 लाए, ऑयल के जो डब्बे हैं वो मैंने 5 लाए, आइसक्रीम्स मैंने 10 लाई, ग्रेप्स के केजी मैंने 5 लाए, ठीक है, और नोटबुक मैंने 12 लाई, ठीक है। सो यहाँ पे इनका जो प्राइस है ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, सिंपली जो रेट और क्वांटिटी का जो ठीक है। सो मैं इसको ये वाली सेल लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये वाली सेल लूंगा, ठीक है, फिर इनटू का साइन, ठीक है। यहाँ पे जो ही मैं इसको छोड़ूंगा तो यहाँ पे मुझे इसका प्राइस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ रेट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 25 इस सेल का जो नाम है, ठीक है। इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया है F9, और इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया G9, इन दोनों के बीच में मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला
फॉर्मूला लगाया तो ये खुद ही मुझे कैलकुलेट करके आया इसका प्राइस, मुझे अब टोटल करना है, यही जो हमें आज लास्ट में सीखने हैं। यानी इस रो को मुझे सबों का सम चाहिए, ठीक है। अगर मैं मैन्युअली करूँगा तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। सो इसीलिए जो एक्सेल में हमारा ऑटो सम फॉर्मूला है वो हम इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू, पहले हमें जब भी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करने तो हमें इज इक्वल लिखना है, और दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे सम, हमें सम ही करना है। फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट के बाद मुझे सेल सेलेक्ट करनी है, यानी किस किस को मुझे सम करना है, मुझे इस वाली सेल को सम करना है, ठीक है। ये नीचे जो है यहाँ तक मुझे सम, ठीक है। यानी जो ये वाली सेल है, ठीक है, H10, 11, 12 एंड 13 वाली सेल्स, इनको मुझे सम चाहिए। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो एंटर करके मुझे इसका पूरा टोटल आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये टोटल हम हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका अगर कलर चाहिए कलर भी दे सकते हैं, सेट कर लेता हूँ इसका। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास जो है ये चार्ट यहाँ पे बन के आया, ठीक है। सो ये बिल स्टोर, ऑटोमेटिक जो बिल स्टोर है वो बन के आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे वंस अगेन मैं बता दूंगा कि ये जो सम का फॉर्मूला है ये कैसे हम अपने इसमें एक्सेल शीट में ले आए। सो जहाँ जिस भी कॉलम को हमें सम करना होगा, जिस भी रो को हमें सम करना होगा, तो हमें उस फॉर्मूला बार में लिखना है। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सम करना है, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊँ फिर से, अगर मुझे सम करना होगा मैं इज इक्वल टू पहले लिखूँगा, फिर उसके बाद मुझे मैं सम मेंशन करूँगा, ठीक। फिर ब्रैकेट एक करूँगा और फिर मैं सेल्स को सिलेक्ट करूँगा। देखो यहाँ पे मैंने ये लेके टोटल लेके सम किया, ठीक है। फिर मैं ये ब्रैकेट क्लोज करूँगा, जो ही मैंने रेंज सिलेक्ट किया सेल्स का मैं इंटर करूँगा, तो यहाँ पे 9830, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। All guys, you please stay safe, stay home and